चीज का उर्दू निकाली। वालिदा देखिए उर्दू के मराहल काफी अरसे से हैं। तहकीक कर रहे हैं हम हर लफ्ज को चुन चुन कर उसकी क्या बात है, क्या बात करते हैं। वाह 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 वाह। हे गाइस, इट्स वंशिका नैंथा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, सीरियसली मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की है जिसकी ये वीडियो है और इनको ना उर्दू का बुखार चढ़ा है। बुखार इन द सेंस कि इनका ना मतलब ये जो भी बातें कर रही है वो सिर्फ उर्दू में कर रही है और मतलब मैं इसकी लिटरली बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने इनको इंस्टाग्राम पे आज से नहीं बल्कि कुछ एक या दो साल पहले मैंने इनको इंस्टाग्राम पे देखा था और सीरियसली मैं इनकी फैन हो गई। इतनी ज्यादा क्यूट है, क्यूट तो है ही और उसके साथ ना वो बहुत ज्यादा ऐसी शरारती सी नॉटी सी बच्ची है और मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। हालांकि मैंने इनकी एक दो वीडियोस देख रखी है लेकिन स्टिल मतलब मुझको ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो सीरियसली दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सो मच एक्साइटेड टू वॉच दिस वीडियो। सो या लेट्स वॉच द वीडियो। बिल्कुल यार, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों जो हैं, जो भी ड्रामास वगैरह में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो इतनी ज़्यादा क्यूट होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। हमने पिछले दिन में कुछ बच्चों के ऊपर रिएक्ट किया था और आज ये महजादी इनका नाम है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट वाकई में। ये मैं भी इनको ड्रामास वगैरह में भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम पर भी देखती हूँ, अक्सर आती होती है लेकिन बहुत कम आती है। ड्रामास में भी आती है? हाँ, बहुत कम, ये एक दो ड्रामों में आई हुई है लेकिन आती है ये ना। तो इसलिए ना मतलब मैं खुद इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो बहुत क्यूट बच्ची, जैसे वीडियो को देखते हैं कि क्या प्योर उर्दू बोलेगी, क्योंकि प्योर उर्दू तो मुझे खुद नहीं आती, तो ये क्या बोलने वाली, देखते हैं जल्दी से। और सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या वो उर्दू हमें समझ आएगी, क्योंकि गुल को इतनी अच्छी से आती नहीं और मैं तो नल्ली हूँ उर्दू में, तो ये देखना है कि क्या हमें वो समझ भी आएगी। हाँ वही ना यार, मैं भी यही कह रही हूँ कि प्योर उर्दू पता नहीं कैसी होने वाली है, समझ आती है कि नहीं। तो देखते फिर वीडियो कैसे होने वाली है। चलो जी, बस बहुत देर पढ़ाई कर ली, बस करो ना और लूडो खेलें। हर वक्त पढ़ती रहती है, जान छोड़ो, उठो। वालिदा देखिए उर्दू। हाँ वाओ, कितना सुंदर बनाया है, इतना अच्छा बनाया। क्या बनाया ये वालिदा? तस्वीर कशी मम्मी की है। तस्वीर कशी, ये आपने मुसव्वरी की है? वाह वाह, यानी कि आपने क्या होता है वो आर्ट किया है। वाह 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 वाह, बनाया सुंदर है ना यार। वालिदा ये हमने अम्मी हजूर बनाई, मम्मी बनाई, अम्मी हजूर बनाई है आपके साथ। वालिदा मोहतरमा, कैसी लग रही है तुम्हें? अम्मी हजूर, मेरा ये मकसद नहीं था। फिर क्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इजिप्ट की मम्मी बनाई है, मिस्र की अम्मी, मिस्र की अम्मी, मिस्र की अम्मी क्या मतलब? वालिदा ये देखिए, तुम इंग्लिश में बोल दो, ये तुमने इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है तो बोल भी दो। वालिदा लिख हम सकते हैं, बोल नहीं सकते तो हमें दुख सा दे। ओह हा, शी इज अ ड्रामा क्वीन, इसलिए हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये तुमने मम्मी बनाई है? जी वालिदा, फुल ड्रामा ये बनाई है हमने। इतनी अच्छी पेंटिंग की है ना वैसे। क्यों कह रही हो उसे? अच्छा, मम्मी की उर्दू अम्मी। वालिदा देखिए, आप खुद भी कोशिश करके देख लीजिए इस लफ्ज की उर्दू, मम्मी की। सही में वाह, वालिदा करती है, समझी मेरी, कितनी क्यूट लग रही है। वालिदा हम ऐसे तो इतने गुस्ताख नहीं है वालिदा, वालिदा हमारे बरकी पैगामात हमें मिल रहे हैं कि लोग क्या मिल रहे हैं, बरकी पैगामात मिल रहे हैं कि लोग मतलब नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं पर बहुत पसंदीदगी का निशान के जरिए इजहार। बरकी पैगाम मैसेजेस मिल रहे हैं तुम्हें? जी वालिदा। अच्छा, इसलिए अब तुम उर्दू का दौरा खत्म नहीं करना चाहती? वालिदा इसीलिए हम अभी उर्दू के दौरे को, वैसे बात सुनो, बरकी पैगाम तुमने कैसे मैसेज का उर्दू निकाली? वालिदा देखिए उर्दू के मराहल काफी अरसे से हैं।
वाह 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 तहकीक कर रहे हैं। हम हर लफ्ज को चुन चुन कर उसकी क्या बात है, क्या बात करते हैं। वाह 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 वाह, रिसर्च उसने कर ली है ना, वाह क्या बात है आप। वालिदा सब छोड़िए, बताइए भाई ये जो आपने मिस्र की अम्मी हजूर बनाई, मजाक क्या वाकई, मिस्र की अम्मी मजाक है, बस इसे वालिदा मत कहिएगा नहीं तो हमारे ख्वाब में आएगी। वालिदा इससे अच्छा तर्जुमा हो नहीं सकता, इसका क्या करें हम वालिदा, हम आपसे माजरत चाहते हैं। वैसे भी माँ का तमाचा कभी कभी दुआ बन के लग जाता है मेरी बेटी। आज आप कोई शेर नहीं सुनाएंगी, गालिब की रूह को नहीं तर पाएंगी। नहीं वालिदा, आज हमने थोड़ी सी पढ़ाई करने का इरादा कर लिया है तो आज हम बस कर बात ना, मैंने लूडो खेलनी है, प्लीज उठ जाओ। वालिदा बस ये थोड़ा सा मुकम्मल और होने वाला है। क्या बात है यार, क्यूट, डेडिकेशन देख रहा उसकी पढ़ाई के लिए। अपलोड कर दूं जी वालिदा, ये बरकी पैगामात पे पसंदीदगी का इजहार लोगों से कहिए कि और करते ताकि उर्दू का दौर। क्या बात है यार, इसका एक्सटेंड कितना क्यूट है, वाओ सो स्वीट। और हम भी नहीं चाहते कि उर्दू का दौरा खत्म हो। हाँ बिल्कुल यार, मैं कहती हूँ कि कमाल कर देना इसकी एक एक चीज, इसकी एक एक अदा, इसका एक एक लफ्ज बोलने का स्टाइल, जिसका स्टाइल था, इसका एक्सटेंड था लफ्जों को अदा करने का, यार मैं तो उसकी फैन होगी बच्ची की, कि इतनी छोटी सी एज में इसको कितना लाइक उसने वाकई में तहकीक कर रखी थी कि मैंने कौन कौन सा लफ्ज किस तरह से बोलना है, लाइक जैसे तस्वीर कशी, लाइक जैसे वो क्या था मैसेज को क्या कह रही थी, पता नहीं क्या उसने कोई लफ्ज बोला था मैसेज को, वो भी कुछ ऐसे बोला था प्योर उर्दू में। तो कहती कि मैं तहकीक कर रही हूँ, मैं इस मराहिल में तो काफ़ी, हम तहकीक कर रहे थे, हम इस मराहिल में तो काफ़ी अरसे से थे। तो यार वो ऊपर से ना उसकी जो मामा है वो भी बहुत ज़्यादा उसको लाइक गाइड कर रही थी, उसके साथ इस चीज़ के अंदर इंटरेक्ट हो रही थी, वो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पेरेंट्स को ऐसे होना चाहिए, जिस तरह से बच्चे जिस चीज़ में जाना चाहते हैं उनको साथ देना चाहिए जो चीज़ अच्छी है। तो उसकी जो मामा थी वो भी इसको बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्ट करी, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और बाकी जो है पाकिस्तान में वाकई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जो इस लड़की ने छोटा सा स्टेप उठाया है प्योर उर्दू बोलने का, ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत नायाब है हमारे पाकिस्तान में। हालांकि हमारे कौमी ज़ुबान है ही उर्दू, लेकिन हम लोग को उर्दू बोलनी ही नहीं आती पूरे पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता कोई दो तीन लोग होंगे जिनको प्योर उर्दू की समझ आती हो, वरना तो यार किसी को भी नहीं आती उर्दू बोलनी। ये बस हम लोग उर्दू की बुक्स पढ़ते हैं तो भी हमें नहीं समझ आती क्या है यार, इसको पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में, इसका मतलब देखना पड़ता है इसको क्या कहते हैं, ये हमारा हाल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, सीरियसली बहुत ही क्यूट वीडियो थी। और जैसे गुल ने कहा कि सेम ये पाकिस्तान का ही हाल है, इवन इंडिया का भी ये हाल है, इवन हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है, स्टिल हम लोग ऐसा नहीं है कि आप ही आप देख लो कि मैं एक वर्ड सेंटेंस बोल रही हूँ तो उसमें इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं, हिंदी के कितने वर्ड्स हैं। हमारी ये हालत हो गई है, ना हम इंग्लिश पूरी बोल सकते हैं ना हम हिंदी बोल सकते हैं, हम लोग मिक्स करके वो चीज़ें बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये बात नहीं है कि हम लोग इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती है, इंडियंस को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, इवन हिंदी भी आती है इंडियंस को अच्छे से, लेकिन वही बात है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दर स्टेटस कि वो हिंदी बोलना प्रेफर नहीं करते। वो ये होता है हाई सोसाइटी में स्पेशली कि अगर आप हाई सोसाइटी से बिलोंग कर, इफ़ यू आर एजुकेटेड एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है कि लाइक ये उर्दू को प्रमोट कर रही है, और आई होप इंडिया से भी कोई ऐसे बच्चा निकले जो ऐसे शुद्ध हिंदी में बात करे, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी ही है। और मेरे को इतनी क्यूट लगी यार, जैसे कह रही थी कि मेरा, मैं नहीं चाहती कि मेरा उर्दू का बुखार खत्म हो, तो सेम यार हम भी नहीं चाहते उर्दू का बुखार खत्म हो। और इन्होंने कहा ये मेरी छठी वीडियो है उर्दू के बुखार पे, जिसमें से मैंने एक देख रखी और दूसरी देख रही हूँ मैं, तो आई होप हम लोग ये सारी वीडियोज देखें और आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बाकी 5 वीडियोस पे भी जो है रिएक्शन करें, तो आप लोग कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा ताकि हम इसके और भी जो है वीडियोस लेके आए। तो बस यही था हमारा रिएक्शन, अपना बहुत ख्याल के घर में दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।